कोहरा इधर भी छाया हुआ है। जब जब सुबह जल्दी निकलता हूँ और यह समुद्र नज़दीक होने के कारण है कोहरा। तो देख सकते हो घना कोहरा, कृपया गाड़ी धीरे चलाए। ये हाईवे विशाखापट्टनम वाला एक पहाड़ की गोद से गुजरता होगा। बहुत ज़्यादा ग्रीन बेल्ट है, जहाँ जितना ग्रीन बेल्ट होगा वहाँ पर ज़्यादा इतनी ज़्यादा बारिश होगी। देख सकते हो एक पानी की कीमत, देख सकते हो तेज हवा और प्रकृति की गोद में चल रहा हूँ। पर सब कुछ प्रकृति गोद है, इधर ट्रेन का रास्ता, इधर ही नेशनल हाईवे। ये बड़ा सा पहाड़ पूरा ग्रीन बेल्ट है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हमारा राजस्थान ऐसा कब हरा भरा, ये मेरा एक सपना है। यहाँ से विशाखापट्टनम की दूरी है, विशाखापट्टनम की दूरी यहाँ से है 36 किलोमीटर। विशाखापट्टनम में प्रवेश हो चुका है, अभी मैं चल रहा हूँ पोर्ट रोड पर। ये है विशाखापट्टनम। ये वादिया दिख रही है जो विशाखापट्टनम। और ओवरब्रिज से नीचे उतर रहा हूँ और इस फैक्ट्री कंक्रीट बहुत सारी डाली हुई है। और इधर आर्मी बेल्ट, आर्मी टुकड़िया है, पूरा भाव बता नहीं सकता आपको, सुरक्षा का मामला है। लोहे का कच्चा माल लाने और ले जाने के लिए कच्चे लोहे की गोलियां जा रही है। ये लोहा बनाने की फैक्ट्री है। ये जो देख रहे हैं जो ये, और यहाँ जाती है। पहुंचा हूँ विशाखापट्टनम, रेलवे स्टेशन है सामने दिख रहे जो ये, ये विशाखा रेलवे स्टेशन और ये मेन मुख्य बाजार। यस मेरा मिडकल सर्किल
बहुत बड़ा एक विशाल मूर्ति लगी हुई है भीमराव अम्बेडकर जी की। और ये जो सामने देखो वो है पोर्ट रोड, विशाखापट्टनम पोर्ट जाने वाली रोड है। और ये बहुत विशाल मूर्ति एक मिनट गुणा आप भी आ जाएंगे। सबके आ गए। भारत माता की फोटो हो गए। सम्मानित मंच वीडियो चालू है। भारत माता की जय। ये ट्रॉफी राष्ट्रीय समाज की ओर मेहर को दी गई है। ये कुछ नहीं दिख रहा है। ओ तेरी चढ़ा इतना ऊंचा आ रहा पानी। वो पत्थर है कि होती है पूछ दो। लाइट वाला हाँ हाँ एली साइड ना पत्थर कोई नहीं है भाई। और लाइट वगैरह है हैं जादे सब जादे या गजब सीन है। देखो ये फ्लाइट आ रही है।